वहां पे 4 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आप 4 साल से कम जॉब करके आए हुए हो ना, आपको एडमिशन तक नहीं देंगे अपने एमबीए कॉलेजेस में। ये जो एक बहुत वायर मेंटालिटी है ना कि काम करने के बाद मन नहीं लगता आपकी पढ़ाई में, ये हमारे इंडिया में ही सोच मानी जाती है। हाय गाइस, तो यार आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, क्या दिमाग की बत्ती जली। इस सीरीज में मैं आप लोगों को वो गलतियां बताऊंगा जो आप या आपके पेरेंट्स करते हैं आपके कॉलेज सिलेक्शन या फिर कॉलेज एडमिशंस में, क्योंकि आपके पड़ोसियों ने, आपके बड़े भैया ने आपको या आपके पेरेंट्स को मिसगाइड कर दिया था। तो भाई इस सीरीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, बड़ी मजेदार और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं कर रखा तो। और हाँ, एक मैं और चीज बता दूं, हमारे चैनल पे एक प्लेसमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी एक्सपोज वीडियो आने वाली है कॉलेज की प्लेसमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के टॉप कॉलेज की प्लेसमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं पता है और बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उस वीडियो का भी जरूर वेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखो, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत बच्चे कॉल करके मुझे बताते हैं कि भैया मेरे बड़े भैया ने, मेरे पड़ोसी ने, मेरे टीचर ने ना मुझे ये सलाह दी है कि यार अंडर ग्रेजुएशन तो किसी भी एवरेज नॉर्मल कॉलेज से कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन टॉप कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से कर लेना, क्योंकि जॉब तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको टॉप कॉलेज से अच्छी मिलेगी, अंडरग्रेड के बाद तो वैसे भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है या फिर वैसे ही नॉर्मल प्लेसमेंट होती है। दुनिया की सबसे घटिया, सबसे वर्स्ट एडवाइस, और लिटरली बता रहा हूं मेरा खून खोलता है ये एडवाइस सुन के जो बच्चों को दी जाती है। मतलब लिटरली दुनिया के सबसे ज्यादा, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रहा पर मेरे मन से गलत निकलता है जब मेरे को ये बताया जाता है कि भैया मेरे भैया ने, मेरे पड़ोसी ने मुझे एडवाइस दिया है। लिटरली बता रहा हूं, इतनी घटिया, इतनी इग्नोरेंट एडवाइस है ना ये। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। किसी टॉप कॉलेज के उठा के स्टैट्स देख लो, IIMs के उठा के देखो, ठीक है, किसी स्टैनफोर्ड के, हार्वर्ड के, या चलो इंटरनेशनल पे नहीं जाते, इंडिया में किसी मास्टर्स के टॉप कॉलेज के उठा के स्टैट्स देख लो, 80-90% वहां पे जो बच्चे आपको मिलेंगे ना, वो बच्चे मिलेंगे जो कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से अपनी अंडर ग्रेजुएशन, अपनी बैचलर्स करके आए हुए हैं। खुद जाके देखो, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, जाके देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने बैचलर्स किसी एवरेज या किसी मीडियोकर कॉलेज से करी है तो आपको मास्टर्स के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, पर आपके चांसेस सिग्निफिकेंटली हाई हो जाते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी टॉप कॉलेज में हो। यार IIMs के स्टैट्स उठा के देखना, मोस्टली बच्चे वहां जो एडमिशन लेते हैं ना वो IITs के होते हैं, SRCC, शहीद सुखदेव, निफ्ट या फिर मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के बेस्ट। मतलब आपको वहां बहुत रेयर क्राउड मिलेगा आपको जो मीडियोकर कॉलेज से आया हुआ एडमिशन ले रहा होगा। अगेन क्लियर कर दूं, ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, हो जाएगा। अगर आपका किसी मीडियोकर बैचलर्स कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो ऐसा उम्मीद मत लूज कर देना मेरे को मिलेगा ही नहीं, बट अगर आप अच्छे बैचलर्स कॉलेज से चले जाओ आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इस पॉइंट को समझो यार, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, ये चीज पे आपको रिसर्च करनी है, आपको खुद ट्रस्ट हो जाएगा। एक चीज हम और इसमें इस डिस्कशन में एक पॉइंट मिस कर देते हैं कि हम ना इस एजम्पशन पे चलते हैं कि यार हमारा बैचलर होते ही, 3 साल होते ही हमारा डायरेक्ट मास्टर्स में टॉप कॉलेज में एडमिशन 100% हो जाएगा। कौन गारंटी दे रहा है यार आपको ये लिख के? मैं लिटरली बता रहा हूँ, आउट ऑफ एंगर मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को बेचारे भोले बच्चों को मिसगाइड करा जाता है पूरी दुनिया के द्वारा। आपको कौन गारंटी दे रहा है यार ये लिख के कि आपका बैचलर के बाद सीधा टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा? पता है मोस्टली बच्चों को क्या करना पड़ता है, बैचलर्स के बाद वो कैट देते हैं या फिर कोई सैट देते हैं, जीमैट देते हैं या कोई और टॉप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं। पता है मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, उनको एकदम से कॉलेज नहीं मिलता है टॉप कॉलेज, वो फिर पता है क्या करते हैं, वो बैचलर्स के बाद 1-2 साल जॉब करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देते हैं हमारे बेस्ट कॉलेजेस का पोस्ट ग्रेजुएशन में और फिर उनका एडमिशन होता है। पता है जॉब करने के कितने बेनिफिट होते हैं अपनी बैचलर्स के बाद? हमारे इंडिया में एक मेंटालिटी और क्या चलती है, यार कमाने लग गए ना तो फिर पढ़ाई में दोबारा मन नहीं लगेगा। सबसे वाहियात और सबसे घटिया एडवाइस और सबसे घटिया बात है अपने आप में यार। IIMs में आपको पता है टॉप MBA कॉलेजेस में, जो वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग वाले MBA कॉलेजेस हैं, वहां पे 4 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आप 4 साल से कम जॉब करके आए हुए हो ना, आपको एडमिशन तक नहीं देंगे अपने MBA कॉलेजेस में। ये जो एक बहुत वायर मेंटालिटी है ना कि काम करने के बाद मन नहीं लगता आपकी पढ़ाई में, ये हमारे इंडिया में ही सोच मानी जाती है। हमारे इंडिया में हमें एक चाहिए होता है बच्चा फटाफट से कमाने बैठ जाए,
मतलब अपनी एजुकेशन पे मत इन्वेस्ट करो, अपना टाइम अपनी लर्निंग पे मत इन्वेस्ट करो, बस ये होता है हमारे मन में फटाफट से कमाने लग जाए। ये आपके ना जो 20 साल के जो 20-25-30 की एज है, ये आपके सबसे गोल्डन पीरियड है। यहाँ पे जितना सीख सकते हो ना उतना सीख लो, इतनी लर्निंग ना आपको लाइफ में कभी किसी एरिया में कभी किसी एज में नहीं मिलने वाली जितनी इस सालों में मिलने वाली है। इस साल में अगर जल्दी कर ली ना कमाने की, तो आप भाई साहब फिर फ्यूचर में ना ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा फोकस क्या करना है, बैचलर्स कॉलेज अच्छे जाओ, अच्छे से अच्छे बैचलर्स कॉलेज जाओ, वहां पे जो आपको लर्निंग, अरे लर्निंग को तो इंडिया में वही तो दिक्कत है यार, हमारे यहाँ लर्निंग की तो वैल्यू ही नहीं करी जाती। पैसे पैसे पैकेज पैकेज पैकेज, अरे पैकेज अच्छा कैसे उठेगा जब प्लेसमेंट, जब आपको नॉलेज ही नहीं है, लर्निंग ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है, आपको ऐसी कंपनी आके फ्री में पैसे दे देगी। बहुत बहुत मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता है, बहुत वाहियात एडवाइसेस दी जाती है हमारे यहाँ के बच्चों को। आपको अच्छे कॉलेज में जाओगे, टॉप बैचलर्स कॉलेज में जाओगे, तभी तो अच्छी लर्निंग होगी, तभी तो अच्छा पैकेज मिलेगा, तभी तो मास्टर्स के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा। यार फ्री में कौन दे रहा है आपको मास्टर्स में एडमिशन के अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में? ये ऐसे ही चंपू लाल आ गए, इनको दे दो एडमिशन। आपको दोनों बातें समझनी है, आपको जॉब करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है बैचलर्स के बाद, और कोई बुराई नहीं है उसमें। जब आप जॉब करोगे ना, दो फायदे, पहली चीज मास्टर्स के मोस्टली टॉप कॉलेजेस में आप लोगों को वेटेज दी जाती है, वर्क एक्स वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एक फ्रेशर के मुकाबले। और दूसरा फायदा, जब मास्टर्स दो साल की कंप्लीट करोगे ना, और जब कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए, जो मास्टर्स वाले लोग होते हैं ना उनको पैकेज ज्यादा मिलता है फ्रेशर के मुकाबले। ठीक है, ये बात घुस रही है दिमाग में आपको? ये बातें, ये जो बड़े, देखो मैं किसी बड़े बूढ़े को ब्लेम नहीं करना चाहता, हमारे इंडिया में नॉलेज थोड़ी कम है इस रिगार्ड में, बट आपको ना ये बेफालतू की बातों में नहीं पढ़ना कि पैसे कमाने बैठ गए तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कर पाओगे यार, विलिंगनेस होनी चाहिए। जब आप फ्यूचर में जॉब करने जाओगे और जब आपको पता चलेगा ना यार बैचलर्स होने की वजह से मैं सिर्फ मैक्स टू मैक्स 10-15-20 लाख रुपए साल के कमा सकता हूं, इससे ऊपर कमाई नहीं पाऊंगा, तो आप अपने आप मास्टर्स करने जाओगे। जब आपको पता चलेगा मास्टर्स करके तो मैं सीधा 25-30-50 लाख पे जम कर सकता हूं, समझ रहे हो? ये है रियलिटी लाइफ की। तो प्लीज एक अच्छे बैचलर्स कॉलेज को टारगेट करो, टॉप बैचलर कॉलेज को टारगेट करो, इस भैयाद एडवाइस में मत पड़ो, लर्निंग पे ध्यान दो, एक्सपोजर पे ध्यान दो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कॉलेज, टॉप कॉलेज में पहुंच के, एक एवरेज कॉलेज में पहुंच के आपका बेड़ा पार होने वाला है, वहां पे जाओ, वहां पे लर्निंग पे भी ध्यान दो, और फिर अपनी कोशिश करो बेस्ट कंपनी में, बेस्ट प्रोफाइल में जॉब करो, फिर मास्टर्स के लिए जाओ। तो ये आज की हमारी एडवाइस है, ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, और वीडियो की एडवाइस पसंद आई हो यार अपने अपने रिश्तेदारों के, अपने उस बड़े भैया की दिमाग की बत्ती जलाओ ना जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस भेजो, अपने दोस्तों को वीडियोस भेजो, ताकि बेचारे वो मिसगाइड ना हो यार ये इतनी भैयाद एडवाइस से। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।